जय हिंद। आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज 24 में। आपके साथ मैं जानवी। आइए चलते हैं झांसी की कुछ मुख्य खबरों की ओर। मऊरानीपुर ग्राम भकौरा पचौरा में अवैध रूप से अवैध खनन किया जा रहा। सरकार को लाखों रुपए की राजस्व का चूना लगाया जा रहा। अधिकारियों को अवगत कराने पर भी किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती। प्रशासन मौके पर पहुंचने का आश्वासन तो देता है, परंतु ना कभी मौके पर पहुंचता है और ना ही कोई कार्यवाही की जाती है। ग्रामीणों ने बताया उन्हें किसी भी प्रकार से प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। जब उसकी जानकारी ग्रामीणों ने पत्रकार को दी तो नदी में जाकर देखा बालू से लदे हुए ट्रैक्टर नजर आए, जो वीडियो में देखा जा सकता है। मऊरानीपुर तहसील के दो ग्रामों के बीच धड़ल्ले से चलाया जा रहा अवैध तरीके से अवैध बालू खनन। ग्राम भकौरा और ग्राम पचौरा के बीच से सुकनई नदी निकलती है, जिसके अंदर बालू का पर्याप्त भंडारा था। यह भंडार खत्म होने की कगार पर है। नदी में LNT के द्वारा 30 से 35 फुट अंदर तक की बालू तरीके से निकाली जा रही, जिसको लेकर ग्रामीणों के अंदर काफी रोष व्याप्त है। लेखपाल के द्वारा नदी के घाट पर निरीक्षण भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रशासन अपनी आंखें बंद करके मौन अवस्था में पड़ा हुआ है। सरकार के राजस्व को इतना चूना लगाने के बावजूद प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती है। दोनों ग्रामों के ग्रामीणों ने बताया कि इस अवैध बालू खनन से गांव का जल स्तर निरंतर रूप से गिरता जा रहा, जिससे पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। पत्रकारों ने दोनों गांव के वर्तमान प्रधानों से भी जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि दिन रात ट्रैक्टरों के गांव से निकलने से सड़कें पूरी तरह ध्वस्त हो गईं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर अवैध बालू खनन पर रोक नहीं लगाई गई तो यही नदी में बैठकर सैकड़ों की संख्या में धरना प्रदर्शन करेंगे। मऊरानीपुर से संवाददाता जगदीश की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हरिंद्र कुमार। किस गाँव से हैं? ग्राम पचौरा। क्या करते हैं? ग्राम प्रधान है। ग्राम पचौरा के वर्तमान यहाँ के काफी लोग हैं जो आपके गांव के ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? ये नाजायज है। वाटर लेवल कम हो रहा है, लोगों को समस्या हो रही है। गांव से निकलते हैं ट्रैक्टर, बच्चों का डर लगता कहीं नीचे नहीं आ जाए। गड्ढे भी बहुत गहराई से गड्ढे हो गए, वाटर लेवल है तो CC भी टूट रही, नाजायज हो रहा है खनन। पर इसकी शिकायत वगैरह की आपने? कल बुलवाया था लेखपाल सर को, वो मौना करके चले गए, उनने कुछ कहा भी नहीं। ट्रैक्टर पर अवैध खनन नहीं रुकेगा फिर क्या करेंगे आप? धरना पे होंगे सब लोग, यहाँ पे ट्रैक्टर बंद कर SDM के पास जाएंगे, तहसील जाएंगे, उससे आगे भी आवाज उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, हमारे गांव की संपत्ति हम लोगों को भी एक कंकड़ नहीं देते हैं। गांव के लिए भी रॉयल्टी है, 500 रुपए की है, पर गांव की संपत्ति इसको भी तो फ्री होना चाहिए गांव के लिए, इसके लिए 500। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राहुल अहरवान। किस गांव से है? मैं ग्राम पचौरा से रहने वाला हूं। क्या समस्या है यहां पर? यहाँ पर सर बहुत ही समस्या हो रही है। जे पुरखों की हमारी नदी है, संपत्ति है, इसको खनन के द्वारा पूरा उठाया जा रहा है। कल के दिन अगर ये पूरी खत्म हो गई और पानी नहीं बरसा, वैसे ही पानी की कमी हो रही है, तो कल के दिन अगर हम लोग यहाँ घर बनाएंगे तो हमों नहीं को मजबूरी बालू नहीं मिलेगी, बालू नहीं मिलेगी, पीने के पानी लेवल हो रहा है बिल्कुल कम। और अंदाजा है इसमें कितना गहरा उठाई जा रही बालू, कितनी गहरी से नीचे से उठाई जा रही बालू? 30 से 35 फुट यहाँ पर बालू उठ रही है और गहराई। और यहाँ पर ना SDM साहब यहाँ देख रहे हैं कि कितना उनका पट्टा है, कितना क्या है, कुछ नहीं देख रहे हैं। क्या नाम है भैया जी? मेरा नाम महेंद्र कुमार पांचाल है, ग्राम पचौरा का निवासी हूँ मैं। क्या समस्या है यहाँ पर? मुझे सबसे बड़ी ये समस्या है कि मेरे गांव का सबसे बड़ा ये धन है, जो यानी कि मेरे हमारे गांव की जो संपत्ति है यानी बालू के रूप में, इसका अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। जहाँ का यानी कि हमारे यहाँ के जो ठेकेदार हैं उसकी कोई नियम का पालन भी नहीं है, ना कोई कानून के दायरे में रह के इनका पालन किया जा रहा है। और गाँव से निकाला जा रहा है ट्रैक्टरों के रूप में बालू भर भर के, तो न दिन में न रात में कोई इनका समय भी निर्धारित नहीं है। और हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, ना तो इनको ध्यान दिया जा रहा है कि इसका CC भी टूट रही है, कहीं पे नाली भी खराब हो रही है, इसका कोई ना तो ठेकेदार ध्यान दे रहा है। किस चीज़ से उठाई जा रही है? क्या नाम है आपका? संतोष कुशवाहा, भकौरा। किस गाँव से है आप? भकौरा। भकौरा प्रधान है आप? हाँ प्रधान, वर्तमान प्रधान है। हाँ। क्या शिकायत है आपकी? शिकायत सब यही है कि जो बालू जो अवैध उठाई जा रही है, ना ठेका है यहाँ पे, ना कुछ भी है।
आपने इसकी शिकायत की कभी? शिकायत की थी, एसडीएम लेखपाल साहब को भी बुलवाया था। लेखपाल साहब मौजूद में आए थे? मौजूद में आए थे। क्या कह के गए? वो कह गए मना कर देंगे। मना कर देंगे? हाँ। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया? नहीं नहीं। ट्रैक्टर लोगों को भगाया था यहाँ से? नहीं। मशीन पाई गई थी उनके सामने? मशीन चल रही थी यहाँ।